हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एडवांस हेयर स्टाइल का लुक लेके। तो ये वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि मैं इसमें दिखा रही हूँ आप लोगों को जो मैंने हेयर स्टाइल दिया था मैंने तो क्लास में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। तो इस तरह गुलाब एक है और एक और नीचे गुलाब है, तो इस तरह के हेयर आप इंगेजमेंट रिसेप्शन के ऐसे में आप कर सकते हो। अभी तो एडवांस हेयर स्टाइल का ट्रेंड भी है, तो जस्ट देखिए मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। वीडियो में पता नहीं क्या उतनी अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर समझ में आ रही है या नहीं। तो जस्ट उंगली को लेना है और सेक्शन क्लिप से उसको राउंड शेप में घुमा लेना है। उसके बाद नॉर्मली जो हम लोग चोटी करते हैं घर पे, चोटी करके उसके एक साइड के बालों को हल्के हल्के, एक ही साइड के बालों को, दोनों साइड से नहीं, एक साइड के बालों को हल्के हल्के खींचनी है, जिससे हमारे लिए हमारे पंखुड़ी तैयार हो जाएगी ताकि गुलाब वो बिल्कुल गुलाब जैसा दिखे से। तो ये मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये नॉर्मल मैं चोटी कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो ये जस्ट पंखुड़ी ऐसे खींच रही हूँ मैं, एक साइड से आपको खींचने हल्के हल्के, और स्प्रे देते रहना है। स्प्रे आप लेवल 5 और लेवल 7 दोनों ही आपको रखना है। लेवल 5 से आप पहले डिज़ाइन को ये कर लोगे, ड्रॉ करोगे एक तरह से, जैसे हम ड्रॉ करते हैं उस तरह से ड्रॉ कर लेना, फिर उसको होल्ड करने के लिए आप लेवल 7 का यूज़ करोगे ताकि वो लॉक हो जाए। अगर एक ही बार में आप लोग लॉक कर दोगे तो फिर आप अगर उसमें 19-20 अगर आपको चेंज करना हो तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको पहले लेवल 5 का स्प्रे देके जो हल्का सॉफ्ट होता है वो आपको देना है, उसके बाद लेवल 7 का देके लॉक कर लेना है। इस छोटी सी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना। तो पहला ऊपर का रोज हमारा पहले ही बन चुका था, मैं दूसरा रोज बनाई हूँ। फिर उसके बाद साइड के बालों को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। आपको भी हल्के बेबी हेयर जो रहते हैं हमारे, उसको स्प्रे देके हमेशा क्लीन कर लेना है ताकि क्लीन हो। एडवांस हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आपको भी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि बेबी हेयर्स जो हमारे होते हैं उसको अच्छे से स्प्रे देके लॉक कर लेना है दोबारा से। और ये मैं यूपिन एक डिज़ाइन वाले जो होते हैं स्टोन वाले यूपिन, ये देके मैं उसको जस्ट उसके डिज़ाइन को और अच्छा कर रही हूँ। तो ये हम यहाँ मेरा पूरा फाइनल लुक, तो जितने भी यूपिन हम लोगों ने लगाए थे वो सारे निकाल देंगे। और एक शाइनिंग स्प्रे है ऑसिस प्लस का, वो हम लोग डालेंगे। तो ये मेरा रहा फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वो काफ़ी इजी है, आप लोग भी ट्राई करें और मुझे टैग करके आप लोग पोस्ट कीजिए ताकि मैं भी देखूँ। तो ये लगभग हमारा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो चुका है। इसके ऊपर आप शाइनिंग स्प्रे डालें और थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लेकर के आप हार्ड स्प्रे देकर आप लोग बालों को लॉक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा।